ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि इंडिया में बहुत पहले से माइनॉरिटी या बैकवर्ड सेक्शन के लोगों को दबाकर रखा जाता रहा है। हालांकि आए दिन धीरे धीरे ये स्टोरी थोड़ी पलटती हुई देखी गई है और इन्हीं बैकवर्ड और माइनॉरिटीज को हमारे गवर्नमेंट ने उठाने की कोशिश की है। और इसी एक नए पहल में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नए जज को शामिल किया गया है। जस्टिस बीवी वार्ले, जो कि पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के जज बने शपथ ग्रहण करने के बाद। आपको बता दें कि जब ये कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो सिर्फ इकलौते ऐसे चीफ जस्टिस थे जो कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। जस्टिस पीवी वार्ले के सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अब 3 जजेस हो गए हैं जो कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, इंक्लूडिंग जस्टिसेस बीआर गवई एंड सीटी रवि कुमार, जिसके साथ ही दिस इज द हाईएस्ट एवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी इन द सुप्रीम कोर्ट। और तो और, शपथ लेने के तुरंत बाद ही जस्टिस पीवी वार्ले को एक बेंच में शामिल भी कर दिया गया जो एक दूसरे बैकवर्ड सेक्शन से जुड़े मामले की सुनवाई करने वाली थी, विच इज वुमेन। वुमेन रिजर्वेशन बिल के मामले में एक और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने फाइल हुआ है और इसमें बेंच की क्या राय रही है इस वीडियो में हम देखेंगे। उसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि क्यों आए दिन वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर इतने डिसएग्रीमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स उठ रहे हैं और क्यों इसके बावजूद कि यूनियन ये बिल लेकर पेश हुई है उंगलियां अभी भी उनके खिलाफ है। तो बात ऐसी है कि यूनियन गवर्नमेंट ने पिछले साल के मॉनसून सेशन में वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया था जो कि वुमेन को न सिर्फ लोकसभा बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर और यहां तक कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीट्स का अधिकार देती है। कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट बिल 2023 को प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू की भी असेंट मिल गई थी और लोगों में एक खुशी की लहर थी। हालांकि इस पॉइंट पर अब आप सोचेंगे कि इसमें यूनियन पर कैसे उंगलियां उठ रही है, तो बात ऐसी है कि इस बिल को प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलने के बावजूद भी ये तभी इफेक्ट में आएगा जब इसमें एक डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी नेक्स्ट सेंसस के बाद। तो फिर देर नहीं लगी बीजेपी पर ये इल्जाम लगने पर कि उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल एज अ वोट बैंक के लिए पेश किया है और जब वे जीतेंगे तभी इसको इफेक्ट में लाएंगे। और बस फिर क्या था, अपोजिशन ने इस बिल के तुरंत इम्प्लीमेंटेशन की मांग कर दी जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी भी शामिल थी और यहां तक कि कई केसेस भी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। एक ऐसा ही केस कांग्रेस की लीडर डॉक्टर जया ठाकुर ने भी किया है, ये क्लेम करते हुए कि ये अमेंडमेंट तुरंत ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए और वो भी जनरल लोकसभा इलेक्शन से पहले ताकि वुमेन रिजर्वेशन के मामले को एज अ वोट बैंक बीजेपी ना यूज कर सके। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले की लास्ट हियरिंग में जस्टिसेस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच बहुत ही हेजिटेंट दिखी कि वे ऐसे कैसे ही इस मामले में यूनियन को ऑर्डर दे दे कि वे ये अमेंडमेंट तुरंत इम्प्लीमेंट करवा दे। और जब यूनियन की ओर से भी कोई पेश नहीं हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट बेंच को ये मामला अर्जर्न करना पड़ा। गुरुवार की हियरिंग में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन जस्टिसेस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और न्यूली प्रमोटेड जस्टिस पीवी वार्ले की बेंच के सामने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर पहुंची कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 के डिमिलिटेशन क्लॉज को चैलेंज करते हुए। और आप सुनकर चौंक भी जाएंगे कि ये पहली बार नहीं है जब नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ये सेम मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट आई है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो बात ऐसी है कि 2021 में ही नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन सुप्रीम कोर्ट एक प्ली लेकर पहुंची। इन दिस प्ली द ऑर्गेनाइजेशन हैज सॉट द री इंट्रोडक्शन ऑफ द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल व्हिच डिस्पाइट बीइंग पास्ड बाय द राज्यसभा इन 2010 लैप्स्ड आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ 15th लोकसभा सिंस इट वाज नॉट टेबल्ड इन द लोअर हाउस। और इस मामले की हियरिंग अभी तक चल ही रही है जिसमें जस्टिस खन्ना और दत्ता की बेंच ने पिछले साल अगस्त महीने में यूनियन गवर्नमेंट को खूब फटकार भी लगाई थी क्योंकि उन्होंने उस समय तक वुमेन रिजर्वेशन के मामले में अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया था और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के पीआईएल को कोई रिप्लाई भी नहीं फाइल किया था। चौंकाने वाली बात ये है कि इस मामले में कोई रिप्लाई नहीं देने के बावजूद यूनियन ने पार्लियामेंट सेशन में वुमेन रिजर्वेशन बिल को पेश करके लोगों को चौंका दिया था। अब क्योंकि जया ठाकुर की प्ली नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के पुराने पिटीशन से मेल खाती थी तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दोनों को साथ में टैग कर दिया है और कोई नोटिस इशू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट बेंच हैज आल्सो डायरेक्टेड अनदर रिट पिटीशन सीकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 33% कोटा फॉर वुमेन लॉ मेकर्स टू बी हर्ड अलॉन्ग विद दीज इन ऑर्डर टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन। और आज की हियरिंग में भी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के लेटेस्ट पिटीशन को भी बाकी सारे पिटीशन के साथ ही फाइल कर दिया है। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें उस समय तक जस्टिस पीवी वार्ले नहीं थे, ने इस केस में सेंटर को 2 हफ्तों का टाइम दिया है एक रिप्लाई फाइल करने के लिए व्हेन एडवोकेट कन्नू अग्रवाल ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट सेड द गवर्नमेंट नीड सम टाइम टू फाइल अ कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई। आपको बता दें कि इस मामले में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी कहा था कि वे एक पिटीशन फाइल करना चाहते थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उन्हें बताया कि उनकी पिटीशन न्यू होने की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूर के पास ही फाइल होगी और इसी के साथ इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट बेंच ने 3 हफ्ते बाद के लिए लिस्ट किया है। अपने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू कांग्रेस की डॉक्टर जया ठाकुर ने भी ये मांग रखी थी कि वुमेन रिजर्वेशन अमेंडमेंट में से डिलिमिटेशन क्लॉज स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए।
The PIL had contended that there was no requirement of the census and delimitation because the number of seats are already declared and the present amendment gives 33% reservation for existing seats. The PI said that this is an admitted position in our country that 50% of the population is women, but they have only 4% representation in elections. Constitution 106th Amendment Act 2023, जिससे women reservation लाई गई है, parliament में challenge नहीं हुई थी और एक बहुमत से पास हुई थी, तो ये कहना आसान होगा कि लोगों को चाहिए कि women आगे बढ़े और अपने हक ले। लोकसभा, state legislature और दिल्ली legislative assembly में women को 33% seat reservation देने के अलावा, the act also introduces horizontal reservation for women from शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स विद इन द वुमेन्स कोटा। आपको बता दें कि इस अमेंडमेंट ने एक आर्टिकल को मॉडिफाई किया है और वही 3 न्यू आर्टिकल्स ऐड किए हैं। जो आर्टिकल मॉडिफाई हुआ है वो है आर्टिकल 239AA स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, और जो 3 ऐड हुए हैं दे आर आर्टिकल्स 330A, 332A एंड 334A। आर्टिकल्स 330A एंड 332A सीक्स टू इंट्रोड्यूस 33% रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज रेस्पेक्टिवली, और वही आर्टिकल 334A कंटेन्स अ सनसेट क्लॉज डिक्लेयरिंग दैट दिस अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी विल कम टू एन एंड आफ्टर 15 इयर्स। और सिर्फ यही नहीं, ये आर्टिकल ये भी क्लैरिफाई करता है कि वुमेन रिजर्वेशन सिर्फ तभी इम्प्लीमेंट होगा जब एक डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट हो जाएगा एक्ट आने के फर्स्ट सेंसस के बाद, और इसी क्लॉज को ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से चैलेंज किया गया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अपोजिशन ने इस लेजिस्लेशन को पार्लियामेंट में चैलेंज नहीं किया था, पर उनका मेन पॉइंट इसी क्लॉज के रिस्पेक्ट में था कि इसकी क्या जरूरत है, और साथ ही यूनियन गवर्नमेंट से अर्ज किया था कि वे इस क्लॉज को हटा दे। जया ठाकुर ने तो अपने पीआईएल में इस क्लॉज को वॉइड अप इनिशियो डिक्लेयर करने की मांग की है। एडवोकेट वरिंदर कुमार शर्मा, जो कि जया ठाकुर की ओर से सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने मौजूद थे, ने कहा था, The constitutional amendment cannot be held for an uncertain period. In fact, this amendment special session was called for implementing the reservation in parliament as well as in the state legislature, and both houses passed this bill unanimously. An honorable president of India also given assent, and thereafter act is notified on 20th September 2023. But despite the publication, object of the act cannot be withheld for uncertain period. अब देखते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बेंच अपना अगला कदम क्या उठाती है और इस मामले में यूनियन की क्या राय रहती है। इस न्यूज के लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।